हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम खेलने जा रहे हैं एक बार फिर से बीच लाइफ सिमुलेटर। और आप सबको याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने कुछ सोफे वगैरह लगाए थे एंड और एक बोट परचेज करी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। और अभी भी काफ़ी कुछ हमें करना बाकी है। वेट, मैंने यहाँ म्यूज़िक वगैरह लगा रखा है जिससे क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर हैं वहाँ डांस वगैरह कर लेंगे। और मैं चाहता था आज इसको परचेज करना, ये वाला एरिया परचेज करना चाहता था मैं। ठीक है, एक्सपेंड पूल एंड जेट की। ओके, तो डन। चलो भाई, आज मैंने वाला एरिया भी परचेज कर लिया और इस एरिया के साथ हमें ये जेट्स की भी मिली है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक कस्टमर आके बैठेगा ऐसे तब यूज़ कर सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए हमें एक जेट्स की मिली है और यहाँ का पूरा पूल एरिया मिला है जिससे कि मेरे को अभी बनाना भी है, थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा है, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। ठीक है, यहाँ मेरे को स्पेस देखने दो। ठीक है यार, ये वाली ना जो चेयर्स हैं इनको ना मेरे को हटानी पड़ेगी। और साथ में ना मैं सोच रहा हूँ कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह भी रखने की सोच रहा था ऐसे में। क्या मैं रख, ओ वेट, टोनी सेफ वेटर सिफ वेटर वेटर वेटर, ओके नवा वेटर आया क्या? ठीक है, अभी नहीं रख सकता, 5000 का है, इसको रखना पड़ेगा यार, देखेंगे। ठीक है ठीक है, एक नवा वेटर भी रखेंगे। तो ठीक है, और याद होगा तुम्हें हमने ट्रेड में कुछ सामान वगैरह भी लिया था। रुको, बहुत सारा सामान पड़ा है मेरे पास बट ये प्राइस इनका है नहीं ज़्यादा। ठीक है चलो, सेल करते हैं। अभी के लिए ना ये वाली रिंग लेके आया था मैं नवे वाले टापू से, तुम्हें याद होगा 8000 की, तो इसका थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा हमें। ओके 8000 यार, 8000 800 बस, 10000 तक कम से कम जाना चाहिए, 9600। ठीक है, 10000 से ऊपर निकल गया, डन। मैं यही चाहता था 10 से 11000। डन भाई डन, 12 पे ले आओ, 12000 फाइनली बोलने पे ही 12000 आ गया। ठीक है डन गाइस, चलो फाइनली डील डन, 12000 में सेल कर दूंगा भाई, बढ़िया है। ठीक है, और ना 1000 की हमारी एक रिंग और है, रुको इसको भी सेल कर देते हैं यार, 44000 मेरे पास अभी हो चुके हैं तो तुम लगा सकते हो भाई। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहते हो अगर हम इसको अच्छा खासा प्राइस मिलेगा तो मैं सेल करने की सोचूंगा, अगर अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा देन मैं सेल करने की नहीं सोचूंगा यार, इतना भी क्या ही सेल करना फिर। तो ठीक है पहले सेल होने दो। ठीक है, $1600, हाँ चलो इतने भी सेल करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है डन, अभी के लिए 49000 हो चुके हैं। एंड भाई म्यूजिक क्या तगड़ा बज रहा है ना यहाँ पे, चलो ठीक है बजने दो। और यहाँ पे सोफे पे लोग बैठ रहे हैं, ठीक है भाई बैठना भी चाहिए, सोफे पे लोग बैठ रहे हैं, देखो एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, सबके लिए एक एक सोफा है तो वो आराम से बैठ सकता है। और ये ना हमारा छोटा सा टापू, मैं ना एक और टापू बना सकता हूँ चाहूँ तो, बट ना अभी टापू नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पे भी लोग पहली बार बैठे यहाँ के, ये देखो भाई एक पर्सन ये बैठा है एंड एक बंदा ये बैठा है, और यहाँ पे भी एक सोफा लगा हुआ है जिसपे बैठ सकते हैं लोग। ठीक है गाइस फाइनली, चलो अभी के लिए मेरे को अपने टापू पे काफ़ी चीज़ें लगानी है जो कि मैं साथ के साथ लगाऊंगा। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा जो ये वाला एरिया है ना, इधर का एरिया थोड़ा बनाया जाए मज़ेदार, जिससे कि हमारा जो टापू है वो अच्छा लगे। तो मैं ना शॉपिंग के लिए देख लेता हूँ क्या क्या है। वेट, मैं सोच रहा हूँ एक इस पर क्या करा जाए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये वाली चेयर्स भी है, वाइट वाली चेयर्स भी है, एंड और कौन सी चेयर्स हैं मेरे को देखने दो एक बारी। ये चेयर्स का फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है, यहाँ पे टेबल्स वगैरह हैं, रुको दो मिनट, बार्स वगैरह हो गए, टॉयलेट हो गया, इधर पे टॉयलेट भी लगाना पड़ेगा। डेकोरेशन में क्या है, डेकोरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है यार, वुडन ये लेना पड़ेगा, ये मेरे को मंगाने पड़ेंगे, थोड़े बहुत ट्रीज एंड ये भी है। ठीक है डन, यहाँ पे खाना वगैरह हो गया है। तो चलो अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे ना पहले फ्लोर्स मंगाते हैं। ठीक है, फ्लोर्स की है ना हमारे पास 1 2 3, तीन मंगाता हूँ अभी के लिए। फ्लोर फ्लोर बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, तो फ्लोर्स मैंने ऑर्डर करे हैं साथ के साथ ना, रुको रुको रुको, साथ के साथ चेयर्स ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। रुको, ये वाली चेयर्स नहीं, ये वाली वाइट वाली चेयर्स भी अच्छी है ऐसे, ये ऑर्डर करते हैं ना, हमने ये ऑर्डर नहीं करे ना अभी तक, तीन ये ऑर्डर करते हैं एंड साथ में अम्ब्रेलास ऑर्डर करते हैं, 1 2 3, ठीक है डन। चलो तीन अम्ब्रेला ऑर्डर करें एंड वे, ओ वेट शॉक भाई, शॉक कहाँ से आ गई है, वेट 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 वेट, शॉक को मारना पड़ेगा नहीं तो ना उसकी भाई जान ले लेगी। वेट ठीक है, अबे शॉक कहाँ गई, शॉक यार किसी और को ना पकड़ ले गई क्या, वेट वो रही शॉक, ठीक है चली गई, हाँ चली गई, चलो भाई शॉक चली गई। तो हम अभी के लिए अपना जो ये वाला बीच है उसको मस्त बना रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं अच्छा बन सके। और एक सेकंड, वहाँ पे यार जेट्स की का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जेट्स की चलानी कैसे है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा जेट्स की के लिए,
ओ जेट्स की विल इंक्रीज अर्निंग पास टू रेड वंस यू विल डिक्रीज जस्ट रुको यार क्या था श्योर अबे रुको दिखाओ ना क्या है व्हेन द टाइम अप कस्टमर सीट इट ऑटोमेटिकली जेट्स की ठीक है भाई कस्टमर आके बैठेगा तभी तो हमारा कुछ होगा रुकना अबे वेट यार अब क्या हुआ ओ यार एक बंदा और डूब रहा है रुको रुको उसको बचाने जाना पड़ेगा यार मेरे को ना ये एक तो करने ही नहीं दे रहे यार कुछ मैं चाह रहा हूँ अपना वहाँ पे थोड़ा और बीच को अपग्रेड करूँ एंड उसको बनाऊं बट ये भाई अलग ही डूब के मरने आए भाई गोगल्स लगा के तैरने आया बंदा अलग ही जा रहा है ये बंदा तो ठीक है इसको बचा लूं पहले मैं एक बारी ठीक है चलो टर्न इसको सांस लाओ भाई पानी निकालो इसका हो भाई बच गए ठीक है गाइस फाइनली यहाँ पे लोग नाच रहे हैं गाना मैं सोच रहा हूँ गाना क्यों नहीं चल रहा ठीक है गाना चल रहा था ठीक है गाइस अभी के लिए हम ओ वेट 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 ये आई थिंक जेट स्की पे चल रहा है चलो हमें इसका नहीं पता था इसको भी इसका भी हमें पता चल जाएगा ठीक है डन ओके ठीक है भाई इसको घुमाना है मस्त भाई पता नहीं कैसे कैसे घुमाना है ओके एक पॉइंट भाई साहब यार काफी खतरनाक चल रही है जेट्स की तो अबे भाई क्या ही है यार इसके अजीब ही गरीब चल रही है यार ये तो बहुत ज्यादा अजीब गरीब चल रही है तो ठीक है चलो रेड एरिया पे नहीं लेके जाना ना इसे ठीक है चलो येलो वाले पे लेके चलते हैं इसे डन थोड़ा बचा बचा के लेके ओ वेट 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 यहाँ पे स्टोन है ओके अबे नहीं रेड एरिया पे नहीं रेड सर्कल पे नहीं ओके पता नहीं भाई इसको करना क्या है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इस पे लाइन्स पे ले जाके करना क्या है आई थिंक हमने सारे गोल्स पूरे कर दिए ना अब इसको मैं ले जाके लगा देता हूँ कोने पे रुको 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 पता नहीं क्या सीन है यार इस जेट्स की का पर बहुत फास्ट चल रही है इस जेट्स की ठीक है ठीक है ठीक है चलो डन 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 भाई पता ही नहीं क्या सीन था जेट्स की का मेरे को समझ नहीं आया सीन क्या ही था ठीक है चलो अभी के लिए क्या कर सकते हैं हमने जेट्स की चला लिया है एंड अभी के लिए मैंने सामान मंगाया था कुछ ऑर्डर करा था ना तो यहाँ पर मैंने सामान ऑर्डर करा था फ्लोट्स कहाँ गए फ्लोट्स चाहिए मेरे को अभी स्मेल भाई ये तो मंगाए ही थे मैंने ठीक है ये मैंने मंगाए थे जानता हूँ बट मैंने अभी के लिए यार वो भी तो मंगाए थे रुको अभी के लिए इसको हटाओ एंड इसमें क्या है इसमें भी वही है वेट ऐसा ना हो मैंने यही सारे ऑर्डर कर दिए हूँ ठीक है इसको यहाँ रखो मैंने फ्लोर्स मंगाए थे यार मेन मेरे को फ्लोर चाहिए चलो ये अम्ब्रेला हो गया ठीक है ये अम्ब्रेला अबे अम्ब्रेला तो बहुत छोटा पड़ेगा भाई इसके लिए अम्ब्रेला मैंने गलती मंगा लिया शायद चलो ठीक है एक और डन ठीक है एक और उसका एंड अभी के लिए इसमें क्या है भाई मैं जो मेन चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो मेरे को मिला ही नहीं अम्ब्रेला तो गलती मंगा रखा है यार मैंने चलो एक टेबल वगैरह भी मंगा दूंगा यहाँ पे सामने वगैरह ना रखने के लिए इनके ये भी अम्ब्रेला है बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा भाई मेरे को ये वाला एरिया ठीक है चलो डन वैसे भी हमारा जो ये शायद से क्लोज हो ही गया साथ में ना ठीक है ये रहा फ्लोर ओके भाई फ्लोर आ क्यों नहीं रहा साथ वेट मैं फ्लोर यहाँ पे लगाना चाहता था यार इस वाले एरिया पे तो थोड़ा ना पता चले ठीक है डन एंड जो ये था ना मेरा इसको मैं लगाने वाला था यहाँ पे डन इट एंड जो ये था हमारा इसको लगाते हैं इधर डन एंड यहाँ पे एक टेबल रखते ठीक है चलो ऐसे मेरे को टेबल्स वगैरह ऑर्डर करने पड़ेंगे रुको तीन ना टेबल्स ऑर्डर कर लेता हूँ साथ के साथ ही जिससे हमारा जो एरिया है थोड़ा अच्छा लगे देखने में ठीक है और ये वाला टेबल ऑर्डर करते हैं ना तीन बियर ये दूसरे वाले टेबल्स ऐसे नहीं यार ये भी अजीब लगेंगे पर ये टेबल तो वेट रुको और कौन कौन से टेबल्स हैं देखता हूँ एक बारी मैं यहाँ पे टेबल्स नहीं है चेयर्स हो गई एंड ये वाले टेबल्स भी हैं ज़्यादा खास नहीं लगेंगे वाले टेबल अब ये टेबल है ना कॉफ़ी टेबल है ये एंड एक ये है ये टेबल ठीक है डाइनिंग टेबल है राउंड टेबल मंगा लेते हैं ना तीन राउंड टेबल मैं ऑर्डर कर देता हूँ अभी के लिए रुको ठीक है तीन राउंड टेबल अभी मैंने ऑर्डर करे हैं साथ के साथ ही एंड अभी के लिए ना यहाँ पे जो फ्लोर्स है ना इनको लेके चलते हैं अभी अपने जो जिम है इसका प्राइस भी बढ़ाना है ठीक है चलो सॉरी जिम बोल रहा हूँ अपने बीच का ठीक है डन यहाँ पे इसको लगाओ यहाँ पे इसको रखो ठीक है एंड इसको रखो यहाँ पे ठीक है डन एंड अभी एक रह चुका है ना रुको अबे वो दे भी गया भाई दूसरा वाला बंदा ठीक है चलो इसको लेके आओ फ्लोर को यहाँ पे
एंड इस फ्लोर को लगाना है इधर पे। वेट वेट वेट, यहाँ पे फ्लोर नहीं लगा पाऊंगा। फ्लोर को थोड़ा चेंज करो, इसको थोड़ा पीछे करते हैं एंड इसको भी पीछे करते हैं। ठीक है, डन। तो अभी के लिए ना जो फ्लोर था हमारा वो बन चुका है। ठीक है, डन। एंड अभी के लिए भाई सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, देखते हैं क्या से क्या क्या होगा। ठीक है, डन। ये भी लग गया एंड अभी के लिए ये भी लग गया। तो ठीक है गाइस, अभी हमारा पूरा एरिया हो चुका है और ये ना हमारा स्विमिंग पूल मस्त वाला। तो चलो अभी इससे बाहर निकलो एंड चल के ना अभी सो। नहीं नहीं मैंने टेबल्स मंगाए थे ना, रुक जाओ भाई। टेबल्स वगैरह भी तो मैं अभी टेबल्स भी तो लगाने थे मेरे को यहाँ पे। अभी लाइट भी लगानी है मेन तो यहाँ, यार लाइट के बिना तो अधूरा है हमारा काम। लाइट नहीं लगेगी तब तक हमारा एरिया अच्छा कैसा लगेगा। ठीक है चलो, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, एक टेबल यहाँ पे आ जाएगा, एक टेबल और लगा देता हूँ मैं ना। ठीक है गाइस, ये लास्ट बचा हुआ है, इसको लगाना है चल के टेबल को। एंड ना यार लाइट्स भी लगानी है यार, रुको यार, मैं ना पूरे एरिया में सोच रहा हूँ लाइट्स वगैरह लगाने की। अपना जो ये एरिया है ना स्विमिंग पूल, इसके लिए ना काफ़ी सारी लाइट्स मंगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि रात में चमकेगा, दिन में भी चमकाएंगे इसे, रात में भी चमकाएंगे। रुको मैं ना यहाँ पे कम से कम 10 लाइट्स ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, डेकोरेशन में है ना लाइट्स, भाई बहुत खतरनाक बनाने वाले हैं अपना एरिया हम। ठीक है, टर्न यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ ना थोड़ा डांसिंग वगैरह के लिए भी बनाएंगे। हाँ तो थोड़े छोटे मोटे स्पीकर मंगा दूंगा, जिससे कि जो डांसिंग एरिया है वो भी कर देंगे। कहाँ गया लाइट्स, कहाँ गई? डेकोरेशन डेकोरेशन डेकोरेशन, ये रहा छोटा सा डेकोरेशन दे रखा भाई इन्होंने। ठीक है रुको, यहाँ पे ये वाली लाइट्स मंगानी, कम से कम 10 लाइट्स मंगाता हूँ, देखते हैं कहाँ कहाँ लगा पाएंगे। ओ वेट, ये देखो गाइस ऑर्डर बढ़ चुके हैं, मैक्सिमम 20। ओके डन। अबे 20 के लिए मेरे पापा कितने पैसे होने चाहिए भाई? बहुत सारे पैसे लगेंगे इसके लिए। ठीक है, 60,000 का सामान ऑर्डर कर रहा हूँ मैं कम से कम। चलो अभी सोने चलते हैं एंड नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे लगाएंगे लाइट्स वगैरह, बढ़िया लगेंगी। और अब इससे थोड़ा सा ऐसे पैसा बढ़ा होगा, भाई बीच का पैसा देख लेता हूँ, आई थिंक बढ़ेगा। अब मैक्स रखने वाला हूँ मैं पैसा, चलो अब मैक्स भी जाएगा ना सारा पैसा ना, मैक्स रहेगा जिससे कि जो पैसा है हमें ज़्यादा मिले। और 14 तारीख को तो अभी बहुत से तमाशा बचा हुआ है जो कि हमें करना है। हाँ भाई बहुत सारा काम करना है अभी। ठीक है यहाँ चलते हैं, सोते हैं पहले चल के, देन अभी फिर काम करेंगे। ठीक है यहाँ चलो पहले सोते हैं, और नेक्स्ट डे अभी लाइट्स लगानी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अपने बीच के पास करनी है, और ट्रीज़ लगाने हैं। मेन पैसा चाहिए ट्रीज़ वगैरह लगाने के लिए, तो जो हमारा 14 तारीख को वो है ना उसको अटेंड करना पड़ेगा, तभी हमें पैसा वगैरह मिलेगा। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए मैं लाइट लगाने आया हूँ एंड साथ के साथ अभी ओपन भी करना है। और टिप्स वगैरह भी मिली होगी, रुकना दो मिनट, टिप्स भी यहाँ पे होंगी ना। ये देखो भाई काफ़ी सारी टिप्स मिलती है जिससे कि हमें पैसा वैसा बहुत अच्छा मिलेगा अभी। ठीक है चलो, टिप चक्को उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, डन। और वेट, मैं 20 मंगाए थे ना मैंने, 2, 4, 6, 8, 10 तो है ये। रुकना दो मिनट, मैं तो एक वर्कर भी रखने वाला था ना, वेट एम्प्लॉय एक रखने वाला था ना। ठीक है, हायर करा है मैंने एक एम्प्लॉय, रुको दो मिनट, एक एम्प्लॉय और हायर करा, देखना पड़ेगा मेरे को। चलो निकलो भैया यहाँ से तुम। वेट, ये रहा वो एम्प्लॉय, भाई काफ़ी खतरनाक लग रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, पता नहीं इसका क्या सीन है। चलो गाइस, अभी के लिए मैंने लाइट्स मंगाई थी एंड लाइट्स मैं कुछ लगाने वाला हूँ इस तरीके से, जिससे कि जो हमारा ये है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे और मज़ा आए भाई देखने में थोड़ा बहुत। तो चलो अभी के लिए ना इसको लगाना शुरू करते हैं। यार मैंने कम से कम 19 ऑर्डर, नहीं 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 10 ही ऑर्डर करे थे ऐसे। ठीक है ओके, यहाँ लगाते हैं दूसरी लाइट। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके ना अपने पूल के पास मैं लाइट्स लगाने जा रहा हूँ एंड हाँ वहाँ पे 3 लाइट्स और लगानी है, वो भी लगा दूंगा। और जो मतलब बढ़िया व्यू बनाना है ना वो हम जल्दी जल्दी ना इसको बना के रखते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से ना अपनी लाइट्स लगा दूँ यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, पूरा हमारा ये रेडी हो चुका है। हाँ यार लाइट्स मैंने बहुत सारी लगा दी है, और अभी लाइट्स और मंगानी है, बट उसके लिए पैसा ही नहीं है मेन भाई। पैसा वगैरह मिलेगा तभी लाइट्स लगेगी, बट ये रात में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। हाँ भाई, पूरा स्विमिंग पूल ना चमकने वाला है यहाँ पे। एंड वेट, स्विमिंग पूल के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ओपन नहीं है। और एक सेकंड, पैसा बढ़ाओ भाई अपनी जिम का। ठीक है भाई, ग्रोथ लेवल बढ़ चुका है और स्किल्स वगैरह बढ़े हैं क्या? ठीक है दो मिनट, ये भी बढ़ा ही लेता हूँ ना मैं। ठीक है, एक दो, मैंने सारे ना ये फुल कर लिए, बस ये थोड़े थोड़े रह गए हैं जो उन्हें फुल कर रहा हूँ। ये देखो सारे ना मैंने फुल कर लिए 5 लेवल तक, अब धीरे धीरे करके ये सब भी फुल कर लेंगे। अब ये रह गए कुछ कुछ ही रह गए, अब ज़्यादा नहीं रह गए। ठीक है, इन सबको भी फुल कर लेना है, और साथ के साथ यहाँ पे भी कुछ लाइट्स लगानी है। मैं सोच रहा हूँ लाइट्स वगैरह जो हैं ये, ठीक है लाइट्स लगी हुई है, छोड़ो यार। इस स्विमिंग पूल में कोई नहाने नहीं आ रहा भाई, नहा लो यार आके, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है नहाने। इतना मैंने खतरनाक स्विमिंग पूल बनाया और कोई कस्टमर नहाने का नाम ही नहीं ले रहा।
चलो भाई क्या कर सकते हैं, स्विमिंग पूल का वेट करना पड़ेगा। और एक सेकंड भाई, गैंगस्टर्स आए हैं यहाँ पे, तो इन्हें थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। भाई इनको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, वी ब्रिंग ग्रीटिंग फ्रॉम द फादर, हैंड ओवर द ट्रस्ट। रिजेक्ट करूँगा भाई, मारपीट होगी तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते इन्हें। चलो भाई मैंने पैसे वैसे दे के भगा दिया उन्हें। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए हमारा जो जिम है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। एंड हमने एक वेटर भी रखा है जो कि तुमने देख ही लिया होगा, ये रहा वो वेटर। और अभी के लिए जो ये लाइंस में मैंने ये लगाई है, इनको मैं हटा दूंगा टाइम से। और यहाँ पे बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगाने वाला हूँ, हाँ बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम, जिससे कि पैसा वगैरह काफ़ी कमाएंगे हम। और अभी तो यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, कस्टमर्स वगैरह आता देन हम देखते हैं। और यहाँ पे एक जेट की है ना, ठीक है, यहाँ का पता नहीं भाई क्या ही सीन है। इस पे लेके तो जा रहा हूँ बट बहुत ज़्यादा खतरनाक चलती है जेट्स की, तो ठीक है। और एक और मैं बना सकता हूँ यहाँ पे छोटा सा टापू, वो मैं अगले वाले एपिसोड में बनाऊंगा। कम से कम 3 टापू कर देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, और एक सेकेंड भाई ये कैसे आते हैं, रुकना दो। ओ वेट, ये क्या था, अबे ये कहाँ से आया, रुकना ये देखना, मैंने स्पेस दबाया था, ठीक है ऐसा आ गया हुआ। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा होने दो। हो गया पैसा ना, तो मैं ना 3 लाइट्स और मंगा लेता हूँ। देन यार और भी सामान मंगाना पड़ेगा, ट्रीज वगैरह मंगाने पड़ेंगे जिससे कि देखने पे अच्छा लगे। यहाँ पे ना 1 2 3, तो यार ये लाइट्स मंगा रहा हूँ 3 अभी। एंड मेरे को ना ये भी मंगाना था, कहाँ गया वो, वेट यहाँ पे ना एक लास्ट में 13,000 का एक है यार ये, तो ठीक है 13,000 का एक है, तो अभी क्या कर सकते हैं। और एक सेकंड, यहाँ पे देखो कस्टमर आके लेटा हुआ भाई, कस्टमर, ठीक है मतलब कस्टमर आके बैठ रहे हैं अब इस वाले एरिया में, ठीक है बढ़िया है। चलो आने दो, मेरा जो सामान वगैरह मंगाया मैंने उसको, एंड देखते हैं फिर क्या हो सकता है। और यहाँ पे अभी भाई छोटे मोटे वॉशरूम और नहाने के लिए बनाया है, छोटा बनाया है बट अभी और बनाना है यार यहाँ पे, जिससे कि देखने में थोड़ा बहुत बढ़िया लगे। चलो ठीक है, जो है वो सही। तो अभी के लिए लाइट्स मंगाई थी मैंने कुछ, भाई यहाँ पे कोई कस्टमर डूब रहा है, ठीक है इधर पे लगाते हैं और लाइट। एंड कौन सा कस्टमर है भाई, क्या ही सीन हो गया, शार्क ने खा लिया किसी को। ओ वो रहा वो कस्टमर, ओके वेट चलो इसको बचा के आते हैं। देन हमारा आज का दिन भी खत्म होने वाला है। और आज हमने काफ़ी अच्छा से काम कर लिया, वैसे देखा जाए एक टापू खरीद लिया और एक वेटर रख लिया। और वेट इसको मैं बचा क्यों नहीं पा रहा, ठीक है चलो आ गया। तो एक वेटर परचेज करा है, ओ वेटर परचेज, वेटर रखा है और भी काम तगड़े वाला करा है। तो ठीक है अभी के लिए इसको नीचे रखो भाई, अब नीचे रखो ना इसे, इसकी सांस तो लाएं। तो ठीक है गाइस, फाइनली इसकी सांस से हमने ला दिया। एंड वेट अब देखो भाई व्यू, रात का व्यू तुम्हें बोला था ना मैंने, काफ़ी अच्छा लगेगा अपने इसका, ये देखो व्यू तुम अपने इस चीज़ का। भाई अपना टापू बढ़िया बन चुका है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा। एंड अभी लाइट्स लगानी थी, ठीक है। और जो हमने कस्टमर रखा है ना वह बहुत तेज से जा रहा है वो, इस बारी वर्कर जो रखा है हमने हायर करा ना हुआ। तो ठीक है फाइनली इसको यहाँ पे लगाओ, ठीक है डन। यहाँ पे हमने नवी नवी सारे मैं चेयर्स वगैरह का ना यूज़ कर रहा हूँ। भाई अपना जो टापू है सही में अल्टीमेट हो चुका है इस टाइम, ठीक है गाइस फाइनली इसका भी काम खत्म, डन गाइस फाइनली अपना जो टापू था वो तैयार हो चुका है। एंड अभी देखो टापू कितना ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है, हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हो चुका है। इसमें लाइट्स वगैरह लगा दी है एंड मैंने कुछ पीछे की तरफ ना वो लगाए हैं बैठने के लिए, जिससे कि लोग अगर बैठना भी चाहें इधर को मुँह करके तो बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा उनको। और भी चीज़ें हैं जो कि अभी मेरे को चेंजेस वगैरह करनी है, अभी ऑटोमेटिकली चलो सैलरी गई, ठीक है। आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख है, देन अभी डांसिंग के लिए भी लोग आने वाले हैं, इवेंट रखा था मैं याद होगा 14 तारीख का, वो मुझे लग रहा है तुम अगले वाले एपिसोड में ही देख पाओगे। तो ठीक है अभी के लिए यहाँ से पैसा वगैरह कलेक्ट करो, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में ना हम कोशिश करेंगे अपनी खुद की नवी कार ले। हाँ अभी कार के प्राइजेस देखने चलते हैं, कितने हैं प्राइजेस, अगर प्राइज नहीं यार प्राइज देखे थे ना हमने, तो अभी क्या ही करें प्राइज देख के। ठीक है अभी मेरे पास जितना स्पेस है भाई इसका यूज़ करेंगे। अभी जो डांसिंग फ्लोर्स हैं इन सब का भी देखते हैं क्या ही सीन है। यहाँ पे मैंने 2 फ्लोर वीआईपी वाले एरियाज बनाए हैं और पीछे की साइड भी बैठने के लिए बनाया है यहाँ पे, तो अभी मेरे को और बहुत सारा काम करना है तो वो भी कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ ये वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।